की रिहायशगाह में मुजाहरीन घुसे हुए हैं। हर कमरे में मुजाहरीन का कब्जा है। यहाँ बेड पर लोग लेटे हुए हैं, अलमारी खाली पड़ी है, स्विमिंग पूल्स का भी मुजाहरीन भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर श्रीलंका की जनता पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है। आप यूं कह सकते हैं कि श्रीलंका की जनता ने एक तरह से राष्ट्रपति के घर पर कब्जा भी कर लिया है। ये रास्ता पूरी तरह से जनता के लिए खुला हुआ है। आप देखिए, पब्लिक यहाँ पर पहुंची है। कल आपने यहीं की तस्वीरें देखी होंगी, जब स्विमिंग पूल में तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा अलग अलग जो राष्ट्रपति के कमरे थे उस वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। और अब आप ये देखिए, ये पूरा राष्ट्रपति का घर है गोताबाया राजपक्षे का, जो कि फिलहाल किसी सुरक्षित स्थान पर गए हैं। उनका कोई लोकेशन की जानकारी नहीं है कि गोताबाया राजपक्षे कहां पर है, लेकिन उनके घर पर पूरी तरह से आप देखिए यहाँ लोगों का कब्जा आपको दिखाई पड़ेगा। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोताबाया राजपक्षे के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर आम पब्लिक आपको दिखाई पड़ेगी पूरी तरह से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग यहां पर आकर मौजूद हैं। इसीलिए आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जनता यहाँ की परेशान रही होगी। भारत में कहा जाता है, जो हमारे कवि ने लिखा है, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता आ चुकी है और सिंहासन खाली होने के कगार पर पहुंच चुका है। गोताबाया राजपक्षे इस्तीफा दे सकते हैं, 13 जुलाई को उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। और आपको मैं उनके घर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चारों तरफ श्रीलंका के आम नागरिक आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें गोताबाया राजपक्षे के घर की हैं। राष्ट्रपति का घर है और राष्ट्रपति के घर की तस्वीर आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर पब्लिक नजर आएगी। और यहां देखिए, एक पोस्टर लगा हुआ है, क्योंकि कल यहां पर लोग पहुंचे थे, लिखा गया है कांट वेट एनी मोर गोटा गो होम, यानी जो गोताबाया राजपक्षे हैं उनको घर जाने के लिए अपील कर रही है यहाँ की जनता, गोटा गो होम। इस तरह के पोस्टर हमें अलग अलग जगहों पर लगातार देखने को मिले थे। आपको आप देखिए, ये जो मेन पोर्च का इलाका आता है, यहाँ पर श्रीलंका के झंडे के साथ में आम नागरिक मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यह पूरा राष्ट्रपति का घर अब पब्लिक अपने कब्जे में ले चुकी है। जनता का यह गुस्सा, जो कि पिछले 4 महीने से लगातार था, खाने पीने के सामान, जरूरी सामान की किल्लत, और उसकी वजह से यह गुस्सा लगातार बढ़ता गया, जनता का दर्द बढ़ता गया। तो जनता ने अपने हाथ में सारी चीजों को ले लिया और आप देखिए कैसे एक खुशहाल देश कंगाल हो चुका। और यहाँ पर अब इस पूरे इलाके में आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल हाउस में आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ के सोफों पर देखिए आप, लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहाँ का पूरा एरिया है, मैं एक एक करके आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा रहा हूँ। तमाम सोफों पर आपको बैठे हुए लोग दिखाई देंगे, यहाँ सो रहे हैं लोग जो प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि इस घर में पूरी तरह से कब्जा किया गया है और ये राष्ट्रपति का घर है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर किए गए हैं। और ये सारी तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि जनता ने अब राष्ट्रपति के घर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। हम आपको राष्ट्रपति के घर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे गोताबाया राजपक्षे के इस पूरे साम्राज्य पर अब जनता अपने हाथ में ले चुकी है, पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर चुकी है। राष्ट्रपति फरार है, ये हमने आपको एक ड्राइंग रूम का एरिया दिखाया। आप देखिए, दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं, इस पूरे परिसर में आपको पब्लिक नजर आएगी। ये यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, श्रीलंका स्टॉप 3 क्रिमिनल्स करके इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जनता का पक्ष है। ये जी न्यूज की कोई इस पर बात नहीं है, ये जनता के द्वारा कहा जा रहा है। तो श्रीलंका की जनता का गुस्सा है, उनके हाथ में आपको ये दिखाई पड़ेगा, पूरा जो परिसर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पूरे सामान को तोड़ दिया गया है, जो ऑफिस थे यहाँ पर सारा सामान आपको गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति के घर की यह तस्वीरें हैं कोलंबो में, और आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नजर आएगी, यहाँ के युवा नजर आएंगे। आप एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन जयदीप से कहूँगा वो आगे आए और ये दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ भी की गई थी। सीढ़ियों की जो रेलिंग थी उसे यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पब्लिक यहां पर पहुंची हुई है और लोगों की भीड़ आपको मैं एक बार दिखाता हूं। छतों पर देखिए, सीढ़ियों पर देखिए, लोग यहां सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। यह राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें हैं। हम भी ऊपर चलेंगे। रूनी, उस स्विमिंग पूल किधर बना है? इधर उधर से स्विमिंग पूल। अच्छा,
नीचे एक बार आप हमें लेकर चलेंगे उस तरफ। देखिए मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लोगों की भीड़ राष्ट्रपति के घर में घुस चुकी है। यह सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जी न्यूज इस वक्त इकलौता ऐसा भारतीय चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर कोलंबो में मौजूद है और लगातार यहाँ पर देखिए नारेबाजी हो रही है गोताबाया राजपक्षे के खिलाफ। उनके घर में प्रदर्शनकारी घुस आए हैं और राष्ट्रपति इस वक्त फरार हैं। राष्ट्रपति कहाँ पर हैं यह किसी को नहीं पता है, हालांकि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान जरूर कर दिया है। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ राष्ट्रपति के घर की। आप देखिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर अभी बने हुए हैं श्रीलंका में। और आप देखिए लोग यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ से भीड़, बाहर भी अंदर भी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको अब दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। और क्योंकि राष्ट्रपति फरार हो चुके हैं एक तरह से, यहाँ पर संकट बहुत ज़्यादा है लोगों के सामने, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो राष्ट्रपति के घर पर कब्जा, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, प्रधानमंत्री के घर को जला दिया, प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में तोड़फोड़। सर बच्चे भूखे हैं, माँ का यह दर्द है कि हम क्या करें जब वो कहते हैं कि हमें भूख लगी है, इनके पास खाना खिलाने का भी सामान नहीं बचा है, पैसे नहीं बचे हैं, रसोई गैस खत्म है। और इसीलिए यह जनता का गुस्सा है जो आपको जनता के चेहरों पर भी दिखाई देगा। और बड़े घरानों में जो राष्ट्रपति का घर है वहां पर जनता ने अब कब्जा भी कर लिया है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका।